दोस्तों अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे रूस पाकिस्तान के पाले में जा रहा है, वहीं पहली बार पुतिन पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक दोस्त भारत का ऐसा भी है जो हमेशा भारत का साथ देता है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और अब उस देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। दोस्तों मैं यहां पर बात कर रहा हूं इसराइल की। जी हां दोस्तों, इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। आप द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, इसराइली पीएम नफ्ताली बेनेट लाइकली टू विजिट इंडिया एज टू नेशन सेलिब्रेट 30 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। अब बेनेट इस साल भारत आएंगे, ये पिछले साल से ही ऐसा माना जा रहा था, लेकिन इस दौरे से भारत इसराइल के बीच एक बड़ी डील होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है, और वो है सी ब्रेकर मिसाइल, जिसे इसराइल ने किसी भी देश को बेचने से मना कर रखा है। ऐसे में वो अपने ही नियम भारत के लिए तोड़ सकता है। इस वीडियो में हम सी ब्रेकर मिसाइल के बारे में तो बात करेंगे ही, इसके साथ ही भारत अपनी सेना को फ्यूचरिस्टिक फ्रेंच स्पेक्ट्रम डिवाइस देने जा रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों भारत और इसराइल की दोस्ती के लिए बहुत दिनों के बाद हम 1000 जय हिंद का टारगेट रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर देंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को अवश्य दबा लें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जहां पिछले साल इसराइल ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले भारत के हित में लिए थे, जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया था, जब से चीन और भारत का तनाव बढ़ा है तब से भारत का हर विभाग सीधे सीधे इसराइल के संपर्क में है, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, खुद प्राइम मिनिस्टर हो या फिर खुफिया एजेंसी और रिसर्च विभाग हो। इसी वजह से पहले 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप, फिर डीआरडीओ और डीआरएनडी के बीच फ्यूचरिस्टिक वेपन बनाने पर सहमति हो, रॉ और मोसाद के बीच खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति, और भी कई समझौते। दोनों ही देश एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते हैं इन बातों से पता चल जाता है। यही कारण है कि इसराइल अपनी आधुनिक तकनीक और हथियारों को भारत के लिए निकाल रहा है, और इसी कड़ी में सी ब्रेकर मिसाइल भी है। यह फिफ्थ जनरेशन मिसाइल है जिससे चीन भी खौफ खाता है। सी ब्रेकर मिसाइल समुद्री लड़ाई में अब तक का सबसे असरदार हथियार होने वाला है। दोस्तों इस डील को लेकर भारत और इसराइल के बीच अटकलें काफी समय से चल रही थी, मगर अब यह डील होने वाली है। इसराइल का यह हथियार चीन के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। समुद्र या जमीन में मार करने वाली इस मिसाइल का ऑफर इसराइल ने स्पेशली भारत को दिया है। वहीं यह मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाई जाएगी। अब इसे मैं क्यों गेम चेंजर बोल रहा हूं? इसका कारण है कि यह फिफ्थ जनरेशन की लंबी दूरी तक मार करने वाली ऑटोनोमस प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। यह मिसाइल किसी भी देश की नौसेना और आर्टिलरी की क्षमता कई गुना तक बढ़ा सकती है। इस महाविनाशक मिसाइल को इजरायली हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। इस मिसाइल को जमीन या समुद्र से फायर किया जा सकता है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का खात्मा करने में सक्षम है, क्योंकि यह मिसाइल पांचवी पीढ़ी की लंबी दूरी तक मार करने वाली ऑटोनोमस प्रिसीजन गाइडेड सिस्टम से लैस है। इसे जमीन पर स्थित किसी भी सैन्य ठिकाने से या फिर किसी युद्ध पोस्ट से फायर किया जा सकता है। कंपनी से जुड़े लोगों ने यह बताया है कि आने वाले कुछ समय में इसे मिसाइल को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया जाएगा, क्योंकि यह कंपनी कल्याणी ग्रुप के साथ भारत में जॉइंट वेंचर भी चलाती है, और इजरायली कंपनी के साथ मिलकर ही हमने बराकेट मिसाइल सिस्टम को भी विकसित किया था। अब सी ब्रेकर की खूबियों की बात करें तो ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निर्णय लेने के एल्गोरिथम से लैस है। ऐसे में अगर आखिरी समय में भी इस मिसाइल को अपना लक्ष्य बदलना पड़े तो इसमें भी इसे कोई परेशानी नहीं होगी। यह मिसाइल प्रिसीजन गाइडेड होने के कारण काफी सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसमें एक आधुनिक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी लगा हुआ है जो जमीन या समुद्र पर स्थिर या गतिमान लक्ष्य को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकता है। अब यह क्यों चाइना के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगा और इसमें ऐसा क्या है जो इसे बेहद ही खतरनाक बनाता है, चलिए देखते हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जमीन और समुद्र पर मौजूद दुश्मन के रडार इस मिसाइल की आहट तक को नहीं पहचान पाते। जब यह मिसाइल दुश्मन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है तो उन्हें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देती। ऐसे में इस मिसाइल से बचना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आसानी से किसी भी रडार को चकमा दे जाती है। इतना ही नहीं, सी ब्रेकर को नौसेना के कई प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। समुद्री किनारे की रक्षा के लिए स्पाइडर लॉन्चर में इस मिसाइल को फिट किया जा सकता है। वहीं यह किसी भी मौसम में फायर की जाती है। भारत इजरायली हथियारों पर काफी ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए भारत प्रति वर्ष $1 बिलियन का हथियार इसराइल से खरीदता है, जिस कारण पिछले 10 वर्षों में शीर्ष 4 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक इसराइल भी है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि आप डिफेंस न्यूज का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाईटेक गन्स को भारतीय जवानों के लिए ऑर्डर किया है। यह फ्रेंच स्पेक्ट्रम डिवाइस पूरी तरीके से ऑटोमेटिक गन है जो अपने पावरफुल लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को जला भी सकती है और उसके नेविगेशन सिस्टम भी खराब कर सकती है। यह पूरी तरीके से हाईटेक गन है जिसे सेना के हर जवान अपने कंधे पर रखकर कहीं पर भी जा सकेंगे। ये इसी कारण से डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐसी 500 गन का ऑर्डर भारतीय जवानों के लिए किया है। ये दोनों ही न्यूज अगर आपको पसंद आई हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को अवश्य दबा लें, जिससे डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।